बिल्कुल वैसा ही दिखाई दे रहा है जैसा कि पटना में हम सब ने वहां पर अलग अलग प्रोग्राम किया था। पूर्वी और पश्चिमी चंपारण में बुलेट रिपोर्टर के जरिए भी मैं गई थी और वहां के माहौल को टटोला था। और अब इन 18 सीटों पर ये देखिए आंकड़े तेजी से बदलते हुए, और यहां पर चंपारण की 18 सीटों में से महागठबंधन 10 और एनडीए 8, यानी कि बाकी की 4 सीटों का, 4 क्षेत्रों का, 4 रीजन का जो हाल रहा, पांचवें रीजन में भी महागठबंधन 2 सीटों से ही सही, लेकिन यहां पर एनडीए के ऊपर भारी पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। आपको बता दें चंपारण के वाल्मीकि नगर अब सीट है, वहां पर आज लोकसभा के लिए उपचुनाव भी थे, जेडीयू के खाते में वो सीट थी और उसके बाद एक बार फिर से जेडीयू वहां पर मजबूत दावेदारी कम से कम लोकसभा में अपनी दिखा रही है। लेकिन अगर विधानसभा के हिसाब से बात करें तो महागठबंधन के 10 यानी कि तेजस्वी यादव को जो 5 सीटें चाहिए थी उसके हिसाब से यहां पर आराम से सरकार बनती हुई 117 में, अगर आप महागठबंधन के इस 10 सीट को और यानी कि 127 122, और आपको बता दें अभी तक कोसी का आंकड़ा नहीं आया है, कोसी के 31 सीटों का आंकड़ा नहीं आया है, लेकिन महागठबंधन ने 122 सीटें जो चाहिए बहुमत के लिए उस आंकड़े को पार कर लिया है। और ये अपने आप में बड़ी कामयाबी यहां पर तेजस्वी यादव के लिए, और नीतीश कुमार की बुरी हार यहां पर दिखाई दे रही है। 31 साल के तेजस्वी यादव से नीतीश कुमार इस तरह से हारेंगे इसका अंदाजा 2 महीने पहले तक किसी को नहीं रहा होगा। लेकिन बड़ी जीत के पीछे क्या ये वजह है कि तेजस्वी यादव ने अपने बड़े बड़े होर्डिंग से अपने पिता का चेहरा हटाया, जंगल राज की छवि को खुद से चिपकने नहीं दिया, इसके अलावा लोगों के बीच जाकर जंगल राज वाले जो 15 साल का राज था उसको लेकर माफी मांगी, बड़े बड़े होर्डिंग्स में सिर्फ और सिर्फ परिवार के किसी भी शख्स का चेहरा, यहां तक कि अपने बड़े भाई तेज प्रताप का भी चेहरा नहीं लगाया, सिर्फ तेजस्वी यादव के नाम पर ही ये चुनाव लड़ा गया। क्या उनकी ये साफ सुथरी छवि, हालांकि 2017 में हम सब जानते हैं सीबीआई और ईडी ने किस तरह से बहुत सारे मामलों में रेड की थी, लेकिन उसके बावजूद क्या अपनी छवि को बेहतर बना पाने में कामयाब रहे इस वजह से ये प्रचंड बहुमत, क्योंकि अभी 31 सीटें कोसी क्षेत्र की बाकी हैं और कोसी ये वो इलाका आपको बताते चले यहां पर ज्यादातर सीटों में 31 में से यादव बहुल क्षेत्र है, यादव बहुलता वाला ये क्षेत्र कोसी, हालांकि हर साल आती बाढ़ यहाँ की दुर्दशा भी कर देती है, लेकिन चंपारण की 18 सीटें महागठबंधन को 227 सीटें, और अब बात कर लेते हैं कोसी की 31 सीटों का जल्दी से जिक्र, और इसी के साथ ही तस्वीर लगभग साफ हो जाएगी, इसकी बात हम करेंगे क्योंकि सस्पेंस थोड़ा सा बना के रखते हैं। लेकिन फिलहाल तेजस्वी यादव के लिए एक अच्छी खबर यह है कि उन्होंने प्रचंड बहुमत जो 122 का चाहिए उसको 243 में से क्रॉस करते हुए 127 सीटें अब तक के 5 रीजन में जो आज तक ने दिखाया है उसके जरिए, और ये देखिए ये बिहार का पूरा मैप, इसके जरिए समझिए कि सिर्फ ये कोसी का ये पूरा का पूरा इलाका बाकी है, इसको अगर हम छोड़ दें तो सीमांचल में भी शानदार जीत हासिल करता हुआ महागठबंधन, पाटलिपुत्र मगध में भी, मिथिलांचल में भी, चंपारण की 18 सीटों में से 10 पर महागठबंधन, जबकि एनडीए को 8 सीटें, जबकि चंपारण की माना यही जा रहा था कि यहां पर नीतीश कुमार का प्रभाव काफी ज्यादा अच्छा रहता है, जबकि भोजपुर की बात करें तो यहां पर भोजपुर की 49 सीटों में से 33 सीटें हासिल करता हुआ महागठबंधन दिखाई दे रहा है। एक बार फिर से लेफ्ट साइड से लगातार हम आपको एक एक करके क्षेत्र वाइज अगर हम बताएं, सीमांचल की 24 सीटों पर आज ही वोटिंग हुई है, और आपको बता दें 24 में से महागठबंधन 15 सीटों पर जीता हुआ दिखाई दे रहा है, एनडीए 6 सीटों पर, एलजेपी का खाता नहीं खुला, जबकि जीडीएसएस को 3 सीटें सीमांचल में मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। पाटलिपुत्रा की बात करें कुल 61 सीटें, यानी कि जितने भी ये रीजन है वहां पर सबसे ज्यादा सीटें पाटलिपुत्र में ही है, एनडीए 26 पर, जबकि महागठबंधन उससे आगे पाटलिपुत्र में भी, जहां पर माना जा रहा था कि एनडीए काफी अच्छा प्रदर्शन कर सकती है, लेकिन वहां पर भी ऐसा लग रहा है कि नीतीश कुमार का जादू घट गया, तेजस्वी यादव का सिर चढ़कर बोल रहा है, इसी वजह से 33 सीटें इन 61 में से। मिथिलांचल की बात करें 60 सीटों में से मिथिलांचल के एनडीए को 23 सीटें, महागठबंधन को 36 सीटें, एलजेपी को 1 सीटें मिल रही हैं, भोजपुर के 49 में से एनडीए को 9 सीटें, महागठबंधन को 33 सीटें। अगर इन तमाम इलाकों में सबसे ज्यादा अच्छा प्रदर्शन कहीं पर कर रहा है इस वक्त महागठबंधन तो वो भोजपुर का है, क्योंकि एनडीए दहाई के आंकड़े को भी क्रॉस नहीं कर पा रहा है, महागठबंधन 33 सीटें, चंपारण के 18 में से एनडीए 8, महागठबंधन 10, और अब बाकी है कोसी के 31। लेकिन थोड़ा सा सस्पेंस बनाए रखते हैं, सीधे सुधांशु जी आपका रुख करते हुए, अब तो बाकी कुछ क्या रहा आपके लिए कहने को, एग्जिट पोल का ये आंकड़ा बता रहा है 122 का जो बहुमत चाहिए उससे ज्यादा 127 सीटें, वो भी तब जब कोसी की अभी 31 सीटें बाकी हैं, इसका फाइनल आंकड़ा आना बाकी है, लेकिन नीतीश कुमार जाते हुए, तेजस्वी आते हुए हमारे इस एग्जिट पोल के जरिए।